गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ योर स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंग्लिश रैम्स पढ़ने जाएंगे। इंग्लिश रैम्स में हमने पेज नंबर 3 जो है कंप्लीट कर लिया था, दैट इज खुस्सी कैट रैम्स। एंड हमारा आज है हुस्सा बाय बेबी। ठीक है, हुस्सा बाय बेबी हम लोग आज पढ़ने जाएंगे। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम इसे एक्शन के साथ करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। हुस्सा बाय बेबी ऑन द ट्री टॉप, when the wind blows the cradle will rock, when the bough breaks the cradle will fail, down will come baby bough cradle and all। चलिए एक बार और पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा अच्छे से ताकि आपको याद हो जाए। Hush bye baby on the tree top, when the window blows the cradle will rock, when the bough breaks the cradle will fail, down will come baby bough cradle and all। बिल्कुल इसी तरह आपको पढ़ना है, आपको अच्छे से याद कर लीजिए कि मैं कैसे कैसे आपको बता रही हूँ। ठीक है, एक बार और पढ़ते हैं हम लोग, फिर एक्शन की बात करेंगे। Hush bye baby on the tree top, when the window blows the cradle will rock, when the bough breaks the cradle will fail, down will come baby bough cradle and all। ऐसे आपको याद करना है। अब चलिए अब हम लोग विद द हैंड मूवमेंट देख लेते हैं कि कैसे आपको करना है। आप जब ध्यान से देखिएगा तो आपको अच्छे से पता भी चल जाएगा और समझ भी आ जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हैंड मूवमेंट के साथ। हुश बाय बेबी ऑन द ट्री टॉप, व्हेन द विंडो ब्लोज द क्रैडल विल रॉक, व्हेन द बॉ ब्रेक्स द क्रैडल विल फेल, down will come baby bough cradle and all। एक बार और चलिए एक बार और देखते हैं, आप ध्यान से देखिएगा अच्छे से, स्लोली स्लोली करते हैं हम लोग, तो धीरे धीरे देखिएगा तो आपको अच्छे से पता भी चल जाएगा। Hush bye baby on the tree top, when the window blows the cradle will rock, when the bough breaks the cradle will fail, down will come baby bough cradle and all। ऐसे ही आप करिएगा, आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा अच्छे से और आप याद करिएगा इसे, आप ताकि आपको याद रहे, ताकि जब आपका इंग्लिश रैम्स का ओरल हो, आपसे सुना जाए, तो आप अच्छे से सुना सके टीचर्स के सामने। ओके, चलिए एक टाइम और हम करते हैं धीरे धीरे बिल्कुल। Hush bye baby on the tree top, when the window blows the cradle will rock, when the bough breaks the cradle will fail, down will come baby bough cradle and all। आप इसे अच्छे से ध्यान से वीडियो को देखिएगा, पहले इसे याद करिएगा, फिर एक्शन के साथ देखिए और एक्शन के साथ अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रैंक पेज नंबर 5 में पीटर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।